यहाँ पासीघाट में हम लोग सियांग रिवर फेस्टिवल के रूप में यहाँ पे मनाया जा रहा है, और जिससे थोड़ा देर पहले हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब ने जो कहा कि ये उत्सव जो है भारतीय जनता पार्टी ने उस जमाने में शुरुआत किया था, मगर बीच में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा नहीं पाए, मगर दोबारा फिर जब हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो दोबारा प्रधानमंत्री के जो आह्वान है हम सब इस सेलिब्रेशन को पूरे देश भर में हम लोग मना रहा है। और आज के इस जो सियांग दर्शन सियांग रिवर फेस्टिवल का जो बाकी जो दो थीम है, एक है रिवर रिजुविनेशन और दूसरा है इको टूरिज्म, ये दो पॉइंट भी हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी थोड़े से पहले मैं चेयरमैन राजीव यादव साहब के साथ में डिस्कस कर रहा था कि अभी अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म के क्षेत्र में अभी हम लोग अच्छी प्रकार से टेक ऑफ अभी हो रहा है। पहले केवल टूरिज्म का जब बात करें तो केवल हमारा ही जो क्षेत्र है तवांग साइड में वही ही एक कंसेंट्रेशन हुआ करता था टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर अभी देखते अभी चलते समय में अभी धीरे धीरे बाकी अपना राज्य में लोग अवेयरनेस होते गया, अभी हमारा सेंट्रल साइड में भी जैसे जीरो साइड में भी काफी टूरिज्म का नंबर्स बढ़ रहा है, आपका ईस्टर्न साइड में स्टार्टिंग फ्रॉम पासीघाट से लेके ईस्टर्न साइड में भी नामसाई तेजू साइड में भी काफी टूरिज्म का ग्रोथ हो रहा है। सो अक्रॉस टाइम मैं हमेशा इंकरेज करता था जब मैं टूरिज्म मिनिस्टर भी था इस राज्य का, तो उसमें होम स्टेज को किस प्रकार से प्रमोट करना चाहिए, नीति आयोग में भी इसका हम लोग ने चर्चा किया हुआ है। तो इसमें देखिए कि अभी उस बार में जो टिबेट चाइना में तो वहां तो किसी का हाथ तो चलेगा नहीं, उन लोगों को तो जो काम करना है वो लोग तो कर देगा, तो फिर डाउन स्ट्रीम में रहने वाला लोगों को हम लोगों का सिक्योरिटी क्या है। अभी कल में डैम बन जाने के बाद में अगर डैम में कुछ वो लोग डिफॉल्ट करके अगर पानी वहां से छोड़ देता है तो हमारा तो पूरा पुटिंग से लेके पासीघाट से लेके पूरा आसाम पूरा खत्म हो जाएगा, तो सियांग नदी जो है वो तो जब हिस्ट्री हो जाएगा, और खास करके आपका आदि बेल्ट आप लोगों के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। और सावधानी किस प्रकार से हम लोगों को सावधान होना है, हम लोगों का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन किस प्रकार से होना है, हम लोगों को सियांग नदी को कैसे बचाना है, और खास करके हमारा आदि बेल्ट उसको कैसे हम लोगों को बचाना है, इसके ऊपर हम लोगों को अध्ययन करना बहुत ही सबसे जो डेंजर अभी आने वाला है जो मैं अपना हिसाब से देख रहा हूँ वो है हमारा सियांग नदी उस पार में जब टिबेट में फ्लो करता है तो यर्लुंग सांपो बोलता है टिबेट साइड में, वो ये मेडॉक ये काउंटी में पड़ता है, उन लोगों का जो प्रोविंस है मेडॉक काउंटी, तो वहां पे अभी वो लोग एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वहां पे बनाने के लिए फैसला हो चुका है, प्लानिंग नहीं कर रहे बल्कि फैसला हो चुका है। रिसेंटली इस साल का मार्च में वहां पे जो चाइनीज का जो 14-5 ईयर प्लान उसमें ऑलरेडी पास हो चुका है कि यर्लुंग सांपो में रफली अराउंड 60,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनने का वो अप्रूव हो चुका है, आप लोग मीडिया में भी शायद देखा होगा। तो हमारा चिंता वही है कि यर्लुंग सांपो में अगर वो लोग 60,000 मेगावाट का वहां पे डैम बना देगा तो डाउन स्ट्रीम में रहने वाला सबसे पहले तो अपना आदि का जितने भी वहां से टूटिंग एरिया से शुरुआत होके यहाँ पासीघाट होते होते आसाम जाएगा तो जाके बांग्लादेश जाएगा, तो दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। मैं इसलिए कंसर्न हूँ क्योंकि हमें जो बताया गया है कि चाइनीज जो है वो इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी का उसमें वो सिग्नेटरी नहीं है, तो इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी का जो जो सिग्नेटरी होता है डाउन स्ट्रीम का लोगों को किस प्रकार से लाइफ में हेम्पर होगा वो सब भी उन लोगों को मोरलिटीज अच्छे से बनाना होता है, बिकॉज चाइना इज नॉट इन सिग्नेटरी तो कल वो लोग क्या कर देगा फिर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी क्या पता। तो इसलिए इस चीज को हम लोग बहुत गंभीरता से सोचना बहुत जरूरी है।
Omega Pogane, Lucian Lane.